बातें तो बहुत सारी हुई, पर अगर मैं कश्मीर के बारे में बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था, उसी के बारे में बात करते करते अमिताभ बच्चन सर ने बोला, मैंने उनको बोला कि आपकी मैंने जो एक मूवी देखी है सिलसिला, उसकी शूटिंग कश्मीर में हुई थी, तो सर ने बोला हाँ मैं भी वहाँ पे गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है वो। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बातें की, उन्होंने मुझे मिस समझदार का टाइटल दिया, पता नहीं क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम आपका Q&A में, और मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमारी टीम आ पहुंची है बर्ज़ला बागात। बर्ज़ला बागात आने की हमारी खास वजह, आज हम मिलने आए हैं प्रिया कौर से, जिन्होंने कल KBC खेला, KBC में उन्होंने 25 लाख जीता। कश्मीर की इतनी छोटी लड़की, 15 साल महज उनकी एज, 10th क्लास में पढ़ती है प्रिया, KBC में सिलेक्ट होगी और KBC में उन्होंने सीधी बात प्रिया कौर के साथ। मेरा नाम प्रिया कौर है, मैं 15 साल की हूँ, मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हूँ, मैं क्लास 10th साइमन रोज गार्डन मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जब मैं वेदांतु से पढ़ती हूँ तो वहाँ पे हमें हर चीज़ की नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड किया गया था KBC की हॉट सीट का, साथ में लिखा गया था कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप हॉट सीट पे जाएं, मिस्टर अमिताभ बच्चन सर से मिलें। तो मेरा कुछ ये पक्का नहीं था कि मुझे KBC में जाना है, कभी ड्रीम भी नहीं था। मैंने बोला चलो वन टू पार्टिसिपेट इन दिस, जस्ट वेंट विद द फ्लो। तो जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें फर्स्ट राउंड था वीक क्विज का, वो तकरीबन 2 हफ्ते तक रहा। वो जब मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद फिर से एक GK राउंड था, वो भी क्लियर हो गया। देन एक इंटरव्यू राउंड हुआ, वो भी क्लियर हो गया, और लास्ट का जो राउंड था वो BGK राउंड था, वो भी क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही फ्लो फ्लो के साथ जो राउंड्स क्लियर होते गए ना, आए केम क्लोजर टू द हॉट सीट, और फिर मुझे कॉल आया मुंबई से कि आपको मुंबई आना है और वहाँ पे आप FFF खेलेंगे। तो मैं वहाँ पे गई और आई प्लेड द FFF, और फिर एंड में ही सही पर मैं हॉट सीट पे आई। पर मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में मैं कभी अमिताभ बच्चन सर से मिलूंगी, बिकॉज मैंने जब भी उनको देखा है हमेशा TV पे देखा है, पोस्टर्स में देखा है, एड पे देखा है, लेकिन कभी उनको वैसे सामने तो देखा ही नहीं। बट जब मैंने उनको पहली बार, जब वहाँ पर जब मैं गई वहाँ पर उनको पहली बार देखा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था मेरा मुँह खुला का खुला रह गया ना, वॉज सो हैप्पी सर दैट टाइम, कि सीरियसली मैं इनको अपने आँखों के सामने देख रही हूँ। वो इतनी हम्बल तरह से अंदर आए, सबको ग्रीट किया, दैट सीरियसली टच्ड मी। मैंने KBC से 25 लाख का जो अमाउंट था वो जीता, 50 लाख तक क्वेश्चंस मैंने फेस किए, बट मैंने 50 लाख पे क्विट किया, बिकॉज मैं उस आंसर, मुझे नहीं पता था उसका आंसर। और जो क्वेश्चंस थे मैं नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा टफ थे, वो ठीक थे, इजी भी नहीं थे, टफ भी नहीं थे, देवर मॉडरेट। और मैं वो ये मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने सोचा मैं KBC के लिए कुछ प्रिपेयर करती हूँ, करंट अफेयर प्रिपेयर किए थे और GK प्रिपेयर की थी, बट बिलीव में उस GK में से मुझे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आए। जो भी क्वेश्चंस आए वो बस इस 15 साल की जितनी भी मैंने थोड़ी बिट बाय बिट करके नॉलेज इकट्ठा की है उसके बेसिस पे आए। जब आप FFF की कुर्सी पे होते हैं ना, तब आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट जैसे आप हॉट सीट पे चले जाते हैं वो सब एकदम आप ना काम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन सर भी आपको इतना यूज टू कर देते हैं वहाँ पे, वो बहुत आपको कंसोल करते हैं, तो वहाँ पे आके बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं लगती। दे वर वेरी हैप्पी कि मतलब हम किसी को जानते हैं जो कश्मीर से है, और मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। मैंने बोला वहाँ पे इतनी ठंड है कि यहाँ वहाँ पे तो हाउस स्लीव्स लग ही नहीं सकते जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स थे हम सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो सारे जो भी मुझे एड्रेस करते हैं यही सबसे पहले मुझे यही पूछते हैं कश्मीर में कितनी ठंड है। सर KBC वॉज अ गेम, बट मेरी लाइफ अभी बहुत लंबी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़े होकर एक IAS ऑफिसर बनूंगी, क्योंकि मुझे मेरी सोसाइटी की सेवा करनी है, जितने भी लोग हैं उन सबको एक तरह से सर्व करना है, अपनी ड्यूटी निभानी है, और जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म्स लाने हैं। सबसे पहले मैं कश्मीर के लिए सर एक चीज़ करना चाहूँगी, वो ये रहेगी कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं सर्व करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो है मेरा मदरलैंड है, और मैं अपनी सोसाइटी की यहाँ पे सेवा करना चाहूँगी, क्योंकि चेंज आपके घर से ही शुरू होता है और ये मेरा घर है, तभी जाके मैं पूरे इंडिया में चेंज ला सकूँगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चेंज लाना चाहूँगी, और सेकेंड चीज़ जो है मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी कुछ करना चाहूँगी। उनको मुझे पता है कि जो IAS ऑफिसर होता है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है सबके ऊपर, तो उस चीज़ पे भी मैं इन्फ्लुएंस करना चाहूँगी कि जो हमेशा आप मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो मैं ये रेवोल्यूशन आना चाहूँगी यहाँ पे हर किसी के दिमाग में। मम्मा पापा में से दोनों, मम्मा पापा दोनों बॉम्बे आए, क्योंकि उनकी पहले ये शर्त थी कि मम्मा पापा दोनों को ही आना पड़ेगा, तो दोनों ही मेरे साथ गए थे। एंड बिलीव मी, मुझसे ज़्यादा नर्वस तो मेरी मम्मा थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थे वो, और पापा का तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, पापा तो तालियाँ भी नहीं मार रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए, तो सबसे ज्यादा जब आप वो गेम कंप्लीट हुई तो फिर आपके मम्मी पापा के क्या वर्ड्स थे आपके?
मेरे पापा ने बस एक चीज़ बोली, शुक्र वाहिगुरु का, और वाहिगुरु जी का नाम लिया और दे थैंक्ड वाहिगुरु जी, क्योंकि इतने बड़े मंच पे जाना, इतनी धनराशि जीतना, बिकॉज धनराशि समथिंग एल्स, वहाँ पे जाके आपको एक ऑनर मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थे उस टाइम। जब मैं KBC में गई थी, जब मेरा शूट चल रहा था, बिलीव इट और नॉट, मेरे घर वालों ने, हर एक व्यक्ति ने मुझे ऑन एन एवरेज 10-10 फ़ोन तो कर ही दिए थे, क्योंकि हम उन्होंने बोला था किसी का फ़ोन उठाना नहीं है। बट जब हमने उनको बताया कि हम ऐसे गए थे और हम सिलेक्ट हुए, मैं सिलेक्ट हुई और पैसे, इतने पैसे जीते हैं, तो दे वर वेरी हैप्पी। एंड बिलीव मी सर, फर्स्ट टाइम मेरे स्कूल के हर टीचर ने मुझे फ़ोन किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया, तो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट जब आपके टीचर्स आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपने स्कूल का ऑनर बढ़ाया। मेरी पूरी की पूरी क्लास ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, दैट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी, दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। अभी मैं 15 साल की हूँ, जब मैं 18 साल की हो जाऊँगी तब वो पैसा मुझे मिल जाएगा, बिकॉज अभी उसकी FD हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा था कि कोविड की वजह से जितनी इंस्टेबिलिटी आई थी लोगों की लाइफ में, तो मैं भी अपने पेरेंट्स की थोड़ी बहुत हेल्प करूँगी, और मेरे पेरेंट्स, यू नो, देर विल बी अ प्राउड पेरेंट्स टू मी। तो अब तो नहीं मिलेंगे वो, तो मैंने सोचा है कि जब भी मुझे वो पैसे मिलेंगे उसमें से 10% मैं डोनेट करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा हमारी सबकी ड्यूटी होती है कि जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट कमाई है, तो मैं इसमें से 10% डोनेट करूँगी, बाकी के 90% पापा बटन हो, उनको क्या करना है। जहाँ तक सुनने में आया है मुझे, अबाउट 1.5 करोड़ चिल्ड्रन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से केवल 8 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे फाइनल राउंड के लिए। कश्मीर से एक लड़की, वो है प्रिया कौर। यस सर। प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद क्यूएनएस से बात करने के लिए। यू वेलकम सर। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब बच्चा जीत के आता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। आपने कभी सोचा था सर कि प्रिया इतना अमाउंट जीतेगी, KBC कभी खेलेगी? हाँ, ये तो मुझे पूरा पक्का भरोसा था कि कभी कुछ ना कुछ, ये छोटे से ही मुझे पूरा भरोसा था कि बड़ा कुछ करेगी, ये बड़ा कुछ कर सकती है, क्योंकि हर माँ बाप को पहले ही बच्चे का पता लग जाता है कि उसमें कितने गट्स रहते हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कैसा मोमेंट था वो, जैसे मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ हासिल कर दिया, क्योंकि इस बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, मेरा नहीं पूरे घर का, मुझे लगता है कि कश्मीर वैली का भी, क्योंकि कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं हम, प्राउड करते हैं कि हम कश्मीरी हैं, इसलिए मुझे लगता है जितनी भी बेटियां हैं कश्मीर में या आउट स्टेट की, उनको भी मेहनत करनी चाहिए, वो भी आगे जा सकती हैं, क्योंकि हर एक बच्चे में अपना अपनी काबिलियत होती है, उस काबिलियत के बलबूते पर बच्चा आगे चला जाता है। ओह, ये मत पूछिए, मुझे जैसे मुझे लग रहा था कि मेरी जान अभी निकल जाएगी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि वो कैसा मोमेंट था।